सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मानियो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। प्यारी साह संगत जी, अज दास आप जी नाल गुरद्वारा श्री रबाबसर साहब का इतिहास सांझा करन लग्या है। आओ बड़े प्रेम अते सत्कार नाल गुरद्वारा श्री रबाबसर साहब का इतिहास सरवण करिए। यह पावन स्थान पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी दे पवित्र इतिहास नाल संबंधित वह मुकद्दस स्थान है, जिथे रबी रंग विच रंगी महान पवित्र आत्मा भाई फिरंदा जी इलाही संगीतकार दे कोलों महान रबाब साज लैण लई भाई मरदाना जी नूं श्री गुरु नानक देव साहब जी ने आप इस स्थान का पता दस के भेजिया। मरदाना अब खोजो जाई मोल ले हो जो हो, सुंदर हे रबाब ले आवो सफला मोल ना को। भाई मरदाना हुण जाके रबाब की भाल करो अते जिस मुल भी मिलती होवे खरीद लवो। चंगी तरह वेख के सुंदर रबाब लियाओ अते मुल विच किसे प्रकार दा सरफा नहीं करना। भाई मरदाना रबाब लैण हित नगर सुल्तानपुर विच गया। उत्थे दे लोकां ने भाई मरदाना जी नूं कुराइए दा डूम कह के सत्कार ना दिता, सगों निरादर किया। आदर पुर मैं दे ना कोऊ असबिद बाक अलावै, तहको डूम जो पहयो कराही सुनत रोस और आवे। यह निरादरी दे शब्द सुन के भाई मरदाना जी वापस गुरु जी दे पास आ गए। गुरु जी ने कहा हुण इस नगर विच जाण दी जरूरत नहीं, हुण दूसरे स्थान ते जंगल विच जाओ। जह दिश जंगल ग्राम एक तह जाए खोज तुम पावो, जुग सरिता मध ताको जानो हो राहक को सो गाऊं। नाम फिरंदा तहां रबाबी जाए सो बूझो नाऊं। जिथे दो नदियां दरमियान त्रिबेणी नदी ब्यास सतलुज अते काली वेई एक राहक नामी पिंड है, जिथे के हुण मौजूदा समय विच पिंड भरवाणा गुरद्वारा श्री रबाबसर साहब सुशोभित है। उस पिंड विच फिरंदा नामी एक रबाबी है, उत्थे जाके उसनूं मिलो अते उस पासों रबाब मंगणा करो। जे उह रबाब ना देवे तां उसनूं कहना कि श्री गुरु नानक देव जी ने तुहाडे पास रबाब लैण वास्ते भेजिया है। भाई मरदाना जी ने कहा कि सतगुरु जी जे मेरे पास रुपये होणगे तां मैं अदा करके रबाब लियावांगा तां कि सतगुरु जी मैनूं दुबारा ना जाना पवे। सतगुरु जी ने कहा हुण बेबे नानकी जी पासों जितनी कीमत होवे ओह लै के हुणे चले जाओ, किसे प्रकार की देरी नहीं करनी। जद बेबे नानकी जी पासों 7 रुपये जांच लए तां तुरंत भाई मरदाना जी उस पिंड वाल चले गए। उत्थे पहुँच के कुछ समा रबाबी फिरंदे नूं लभण तों बाद जद ओह ना मिले तां भाई मरदाना जी उदास हो के बैठ गए अते सतगुरु जी दे चरणा विच अरदास कीती। इन्ने नूं भाई मरदाना जी पास एक आदमी आया अते उसने पुछया कि तुहाडा नाम की है, तुसी कित्थों आए हो, किस नूं लभ रहे हो, मैनूं दसो। भाई मरदाना जी उस आदमी दे प्रेम भरे बचन सुन के बड़े प्रसन्न होए अते विचार के बचन कीते। वतन राय पोए तलवंडी नाम जान मरदाना, एक फिरंदा अह रबाबी खोजो तिसे सुजाना। नानक वेदी भेजो
तेह ढिग लेण रबाब रजाई। खोजे सो बहु हाथ ना आवै, याते मन बिकुलाई। कि मेरा पिंड राय भोज दी तलवंडी, अते मेरा नाम मरदाना है। हे सूझवान मनुख, इत्थे एक फिरंदा नामी रबाबी है, मैं उसनू खोज रहा हाँ। श्री गुरु नानक देव बेदी जी ने मैनू उस पासों रबाब लैण लई भेजिया है। मैं बहुत भाल कीती पर मैनू वह रबाबी नहीं मिलिया, इस करके मैं उदास हाँ। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम ही फिरंदा है अते गुरु जी ने तुहानू मेरे पास ही भेजिया है। मेरे पासों रबाब लैके उत्थे जाओ जिथे दया दे घर सतगुरु जी का निवास है। इस संसार सागर ते मनुखां नूं उतारन वास्ते प्रभु ने अवतार धारिया है। इस तरह मुख तों बचन करके एक अनुपम सुंदर रबाब वह ले आए। उस सुंदर रबाब नूं देख के भाई मरदाना जी बड़े प्रसन्न होए ते कहा कि इसका जो मुल है वह दसना करो। मैं इस वर्गी सुंदर रबाब हुण तक नहीं वेखी, जो भी मुल लैना है कह दिओ। भाई फिरंदा जी ने कहा, इसका मुल कोई नहीं दे सकता, यह रबाब केवल सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी दे अगे ही वजेगी, अते इसनू किसे होर अगे नहीं वजाउणा। दुनियादारी दियां गरजां तो बेपरवाह भाई फिरंदा जी ने पैसों बदले रबाब मुल देण तों इनकार कर दिता ते श्री गुरु नानक देव साहब जी दे दर्शनां दी इच्छा प्रगट कीती। इस स्थान तो भाई मरदाना जी दे नाल चल के भाई फिरंदा जी सुल्तानपुर पहुँच के श्री गुरु नानक देव साहब जी दे दर्शन कीते ते निहाल होए, भेटा वजों गुरु चरणा विच रबाब अर्पण कीती। हाथ बंद कह बचन फिरंदा, आनंद कंद सुनीजै, हुतो पचावन एह रबाब, बर किरपा सिंध सुलीजै। दर्शन की लालच सी मुझको, हरख सरस दरसायो, सब बिद जानो अंतर जामी, एह बिद कहत सदायो। जद गुरु जी ने भाई मरदाने नु पुछया कि तू इतनी देर क्यों करके आया है, तो भाई मरदाना जी ने कहा, सतगुरु जी तुसी अंतरजामी हो ते आप सब कुछ जानते हो। जद भाई मरदाना जी भाई फिरंदे रबाबी नूं विदा करन वास्ते तुरे अते थोड़ी दूर तो ही भाई फिरंदा जी अखां तों अदृष्ट हो गए, तो भाई मरदाना जी बड़े हैरान होए अते वापस गुरु जी दे पास आ गए। तो गुरु जी ने पुछया कि उसनों विदा कर आए हो, तो भाई मरदाना जी ने कहा कि मेरे वेखदियां ही पता नहीं कित्थे अलोप हो गए, फिर दिसे नहीं, मैं बड़ा हैरान होया हाँ। फिर भाई मरदाना जी ने गुरु जी ने पुछया कि यह मनुख कौन सी जिसका सुभा बहुत वधिया सी अते जिसकी होर मनुखा वर्गी गति नहीं सी। हे सतगुरु जी, यह सारी विथ्या मैनू सुनाओ। गुरु जी ने दसिया, भाई मरदाने यह संत रूप देवत्या दे रागियां विचों प्रेम विच रंगिया, हाथ विच रबाब लैके दिन रात कीर्तन करता रहिंदा है। काफ़ी लंबे समय तो उसकी यह रबाब सानू भेट करन दी चाहत सी जिहड़ी उसने सानू दे दित्ती है। इसनू हुण बिना देरी कीते वजाउणा शुरू करो। गुरु जी की आग्ञा पा के भाई मरदाना जी रबाब शुरू करन लगे, तो गुरु जी ने कहा कि सुर आपे बन जाएगी, तुसी रबाब बजाओ। यह सुन के भाई मरदाने ने रबाब वजाउणी शुरू कर दित्ती अते सुर भी आपे बन गई। रबाब विचों आवाज़ निकली, तू ही निरंकारा निरंकार करतारा है, तू ही निरंकारा निरंकार करतारा है। रबाब की आवाज़ सुनते ही सारे पशु पंछी मोहित हो गए। मिठा नाद सुन के गुरु जी की अखंड समाधि लग गई ते बेदेही हो गए। इस तरह दो दिन बीत गए। पदम आसन हो के बड़े शोभ रहे हैं, जिमें पापा का नाश करन वाली मुक्ति आप समाधि लाई बैठी होवे।
प्यारी साह संगत जी, गुरु जी की कृपा सदका दास भी इस स्थान के दर्शन कर चुका है। यह स्थान सुल्तानपुर लोधी तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पावन स्थान की कार सेवा सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी ने 1975 विच आरंभ करवाई। सचखंड वासी जथेदार बापू पूरन सिंह जी ने बड़ा लम्मा समा इस पावन स्थान की सेवा बड़े प्यार दे नाल निभाई। मौजूदा मुखी संत बाबा कोला सिंह जी, जथेदार बाबा गुरनाम सिंह जी कार सेवा करवा रहे हैं। माघी ते विसाखी का जोड़ मेला इलाके भर दियां संगतां महापुरशां दी प्रेरणा सदका बड़े उत्साह नाल इस पावन स्थान ते मनाउंदियां हन। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।